तो आज की वीडियो में ना मैं आपको ब्लैक फॉरेस्ट की ये डिज़ाइन सिखाने वाला। तो नमस्ते फ्रेंड्स, केम छो, मजा मा। तो आज की वीडियो ना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आइसिंग कैसे करना है, ऐसे परफेक्ट रोजेट्स कैसे बनाने हैं, उसके साथ आपको ये वीडियो सिखाने वाला हूँ, ये केक की डिज़ाइन सिखाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बनाने के लिए ना मैंने पहले ही ब्लैक फॉरेस्ट की केक रेडी करके ना उसका क्रम कोट करके रख दिया था। तो अब ना मैं यहाँ पे फाइनल आइसिंग कर रहा हूँ। तो उसके लिए ना हमें वेनिला की क्रीम लेनी होगी, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट में वेनिला की क्रीम ही यूज़ होती है। तो मैंने यहाँ पे ना पैलेट नाइफ की मदद से ना अच्छे से ऊपर लगा दिया है, बिल्कुल मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है उस तरीके से क्रीम को लगाया है और अच्छे से उसे स्मूथ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ना पैलेट नाइफ की मदद से ही ना साइड में क्रीम लगा रहा हूँ। तो मैं ना इस तरीके से ही आइसिंग करता हूँ, तो मेरी तो बहुत बढ़िया से आइसिंग होती है, आज मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। अगर आप चाहो तो पैलेट नाइफ की मदद से भी आइसिंग कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरे हैंड की मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से देखना और सीखना, इस तरीके से ना आइसिंग करना है आपको। अपने हाथ को ना आगे पीछे की तरह मूवमेंट करना है, याद रखिएगा, आपको ना अपने हाथ की हथेली को ही मूवमेंट करना है, पूरे हाथ को हिलाना नहीं है। अपने हथेली का मूवमेंट देखिए आप यहाँ पे वीडियो में। अब क्रीम लगाने के बाद ना उसे मैंने पैलेट नाइफ से एक बार स्मच कर लिया है, और अब मैं ना अपना जो प्लेइंग कार्ड आता है ना उसकी मदद से मैंने अच्छे से स्मूथनिंग कर ली है, बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके से। अब मैं यहाँ पे ना कॉम्ब लेके ना उसकी मदद से डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो कॉम्ब ना आपको सिर्फ पकड़ के रखना है और टर्न टेबल ही रोटेट करना है। यहाँ पूरा काम ना टर्न टेबल का ही है फ्रेंड्स। आप ना इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका अच्छे से आइसिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं पैलेट नाइफ की मदद से ना ऊपर की तरफ से ना स्मूथनिंग कर रहा हूँ। तो बिल्कुल वीडियो में दिखाई गई तरीके से ना हमें ऊपर की तरफ भी स्मूथनिंग करनी है। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि मेरी आइसिंग परफेक्ट होती है, बट हाँ, ठीक ठाक आइसिंग मैं कर लेता हूँ। तो आज ये ठीक ठाक आइसिंग ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आइसिंग करता हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं ना यहाँ पे एक कपड़े की मदद से ना जो बोर्ड हमने आइसिंग करते वक्त गंदा किया था ना वो क्लीन कर लेंगे, क्रीम जो उस पर लग गई थी वो क्लीन कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ना लिया है चॉकलेट गनाश, उसे मैंने छान के ना भर दिया है यहाँ पे पाइपिंग बैग के अंदर। आपको जानना है कि मैं चॉकलेट गनाश किस तरीके से बनाता हूँ, रेशियो क्या है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ये अलग से ना बना के दिखाऊंगा। तो हाँ, जैसे वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से मैंने ड्रिप्स बना ली है, और ऊपर केक के टॉप पर ना इस तरीके से राउंड शेप में ना कवर करते जा रहा हूँ गनाश को, क्योंकि हमें वहाँ पे ना रोजेट बनाने हैं। और बीच में भी मैंने ये गनाश फिल कर दिया है, हमें एक थोड़ी सी जगह, मतलब ऐसे राउंड रिंग जैसी जगह छोड़नी है जहाँ पर हम रोजेट बनाएंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग गनाश के ऊपर ना रोजेट बनाते हैं तो उसके परफेक्ट रोजेट नहीं बनते और वो फिसल जाते हैं मतलब। तो यहाँ पर ना ये एक टिप है कि आप जहाँ पे आपको रोजेट्स बनाने हैं ना वो जगह खाली छोड़ दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही टिप्स आपको दी है, तो आप चाहो तो इस टिप का यूज़ कर सकते हो। भाई आजकल तो लोग फिर वीडियो में बोलेंगे कि ये तो कुछ भी सिखाता है, मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से केक बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि हम साथ में ग्रो करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं साथ में ग्रो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने ना N2 नंबर की नोज़ल ली है, यहाँ पे N1 नंबर की नोज़ल मैंने नहीं ली है, N2 नंबर की नोज़ल ली है। तो N2 नंबर की खासियत ये है ना कि उससे ना आपके रोजेट बहुत ही फूले फूले और एकदम खिले हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने N2 नंबर की नोज़ल से ना रोजेट बना दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाए गए तरीके से। सिर्फ आपको ना E बनाना है। यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज ना रोजेट्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे रोजेट्स बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे उसी नोजल से, N2 नंबर की नोजल से ना यहाँ पे मैं ड्रॉप वाली डिजाइन दे रहा हूँ नीचे बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे ना आप चाहो तो N1 नंबर की नोजल भी ले सकते हो, बट मैं ना यहाँ पे N2 नंबर की नोजल ले रहा हूँ, क्योंकि N2 नंबर ना मुझे N1 से भी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके रोजेट्स ना बहुत ही बड़े बड़े और खुले हुए बनते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे चेरीज को ना हाफ कट किया है और रोजेट्स के ऊपर ना रखते जा रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके से। आप चाहो तो चॉकलेट के जो शॉट्स आते हैं ना वो भी रख सकते हो, बट मैं ना यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट के डिज़ाइन में ये सूट होता है, इसीलिए यहाँ पे मैं चेरी रख रहा हूँ, जो अपनी करौंदा चेरी आती है ना, टीन चेरी, वो रख रहा हूँ।
तो बस यहाँ पे हमारी केक की डिज़ाइन ना बन के रेडी हो गई है। जो नाम लिखने को बोला था वो नाम लिख दिया है और बर्थडे का टैग लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारी केक डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय भोलेनाथ फ्रेंड्स। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।